आपने अपनों के गुजर जाने के बाद 13वीं संस्कार और उस इंसान के जाने का गम मनाने के बारे में सुना होगा, लेकिन श्यामली में एक शख्स ने अपने कुत्ते की मृत्यु के बाद उसकी 13वीं की। इतना ही नहीं, उसकी 13वीं के कार्यक्रम से पहले उसने अपने कुत्ते की शव यात्रा भी निकाली थी। जिस कुत्ते की मौत हुई थी उसे सभी लल्लू के नाम से जानते थे। पूरा मामला शामली जिले के माजरा रोड नई बस्ती का है। कुत्ता किसी बीमारी से ग्रसित था जिसकी मृत्यु हो गई। लल्लू की मौत के बाद पूरे मोहल्ले के लोग शोकाकुल हो गए। कुत्ते के लिए आपने हवन यंग कराया, आज 13वीं मना रहे जी। ये कैसा कुत्ता था? ये कुत्ता वैसे सबका ही साझा था। जब इनका छोटे छोटे थे तो मेरे ही हाउस में 6 बहन भाई थे, तो 3 महीने तक मैंने इनकी देखभाल करी जितना मेरे से हो सका। फिर जब बड़े हो गए फिर ये ऐसे ही मोहल्ले में सबके पास आने जाने लगे। उनमें से ये लंबी आयु इसने पाई लालू ने, तो जो है सबका साझा ही था पूरे मोहल्ले का। अच्छा, मेरी वाली गली और ये डॉक्टर राजवीर हैं, ये क्या नाम विनोद है बेटा हमारा, ये धर्मपाल जी हैं, ये भगत जी हैं। तो आज क्या क्या प्रोग्राम रहेगा? आज प्रोग्राम यही है कि हमल कर रहे हैं, उनकी जो है श्रद्धांजलि है भाई। अंदर से ही आत्मा ने आवाज़ दी कि इसको करना चाहिए। ये ज़्यादा उपराला जो है हमारे बच्चा विनोद है, ये सारे भाई बैठे हैं जो उन्होंने सोचा कि चलो ये करना चाहिए एक प्रेरणा के तौर पे। तो उसके बाद भंडारा रहेगा? हाँ, भंडारा भी है। लल्लू नई बस्ती में 14 सालों से रहता था और सभी का दुलारा था। लल्लू की मौत के बाद उसकी शव यात्रा निकालते हुए रेलवे फाटक के पास उसे दफनाया गया। लल्लू को दफनाने के बाद गुरुधाम आश्रम में उसकी 13वीं क्रिया को संपन्न कराया गया। कर रहे ये जो डॉक्टर राजवीर वाली गली में लालू नाम का कुत्ता था, सभी गली में घर में खाना वाना सब खिलाते थे, इसे सभी प्यार करते थे। और बस बीमारी के चलते इनका देहांत हो गया 2 दिन पहले, और सभी विधि पूर्ण दफनाया और अंतिम संस्कार किया, और पंडित जी के पूछताछ कर गए पंडित जी से, आज हमन कर रहे हैं। और लगभग उम्र इनकी 14 वर्ष की हो गई। लल्लू की अंतिम क्रिया पंडित राजू शर्मा ने विधि विधान से यज्ञ के साथ कराया, जिसमें मोहल्लेवासियों ने आहुति प्रदान की। इस मौके पर इलाके के बच्चों ने भी उसके पसंदीदा टोकरी और खिलौने उसके पास रखे। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि लल्लू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो हमारे परिवार का हिस्सा था, उसकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। स्थानीय समुदाय ने इस अनूठी घटना के माध्यम से संवेदनशीलता और सहानुभूति का एक उदाहरण पेश किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।